रविवार को ईरान की प्लानिंग है एक सैटेलाइट लॉन्च करने की, मगर अमेरिका ने इस लॉन्चिंग पर भौंमे चढ़ा ली हैं और ईरान पर आरोप लगा रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक का प्रयोग परमाणु हथियारों को बनाने में किया जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि इससे अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल ईरान के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद जवाद अजरी जहरमी ने कहा, जफर सैटेलाइट को रविवार को 7,400 किलोमीटर की गति से सेमनान से अंतरिक्ष में भेजा जाए। गौरतलब है कि ईरान ने पिछले साल दो सैटेलाइट परीक्षण किए थे जो असफल रहे थे। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि ये चिंताजनक है कि सैटेलाइटों को कक्षा में रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक का इस्तेमाल परमाणु युद्धक हथियारों को लॉन्च करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ईरान अमेरिका के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखता। आपको बता दें कि कासिम सुलेमानी के खात्मे के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।